फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू कवर वन केस स्टडी ऑफ क्लास 10th पॉलीनोमियल्स चैप्टर. ध्यान से देखिएगा. बास्केटबॉल एंड सॉकर प्लेयर्स बिल्डिंग से प्ले कर रहे हैं, स्फेरिकल बॉल के साथ प्ले कर रहे हैं. स्टार्टिंग में तो बस कहानी है, बस इन्होंने डाल दिया, कुछ नहीं करा. तो स्टार्टिंग की कहानी कुछ नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन में एक बास्केटबॉल कोर्ट दिया है कि ये जैसे बास्केटबॉल कोर्ट है, ये हमारे पास ये वाला जो कोर्ट है ये सॉकर कोर्ट है. बास्केट ये यानी ये हमारा सॉकर कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है. ये वो कह रहे हैं कि ये जो बॉल को जब फेंकते हैं ऐसे सा पार्ट बनता है बॉल का, वो सभी को बताइए. तो ये वो पहले पार्ट में तो पूछा है कि शेप क्या है, आपको बताया इस तरह की शेप हो चाहे इस तरह की हो. दो पैराबोला मैंने आपको बताया था कि पैराबोला डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो ऐसे डाउनवर्ड ओपनिंग तब होगी जब जो ए लेस देन जीरो होगा, और ऐसे ऊपर को खुला तब होगा जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा. तो अब यहाँ पे वो कह रहे डाउनवर्ड है तो ए लेस देन जीरो. आपको पिछली केस स्टडी में बताया था कि ए क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मीन्स हाईएस्ट डिग्री टू है, तो हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशियंट इज मीन्स एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट डिग्री, तो उसका कॉफिशियंट ए होगा. अगर मेरे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री थ्री है तो उसका कॉफिशियंट ए होगा. अगर ए की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो वो डाउनवर्ड ओपनिंग होगा. सीधा याद रखना, और कुछ याद करने की बात नहीं है. अब हमारे पास अगला पार्ट देखिए. सो अगला पार्ट आपको ये ग्राफ देखना थर्ड पार्ट में. सो ये थर्ड पार्ट को भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें आप ग्राफ देखेंगे. ये ग्राफ दिख रहा है और आपको इसके हिसाब से आंसर बता दें. तो कह रहे हैं इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलीनोमियल. जीरोस बताया था कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है. यहाँ पे एक बार टच करा माइनस थ्री, एक बार यहाँ पे टच करा, एक बार यहाँ पे, मतलब इसके जीरोस थ्री है. मैंने यहाँ पे थ्री पे टिक कर दिया, टोटल तीन जीरो, एक जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा तीन बार टच करेगा. और आपको बताना है कि इस ग्राफ के जीरो कौन से है. सो अभी वो भी हम बता देते हैं. इसका एक जीरो तो देखो एक्स एक्सिस पे माइनस थ्री पे टच कर रहा है, एक जीरो हो गया इसका माइनस थ्री. दूसरी बार ये कहाँ पे टच कर रहा है, माइनस वन पे, दूसरा जीरो माइनस वन. तीसरी बार कहाँ पे टच कर रहा है, टू माइनस थ्री माइनस वन टू, ये होगा. अब आपको इसी पॉलीनोमियल की इक्वेशन बनाने के लिए बोला. इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबिक पॉलीनोमियल है. क्यूबिक पॉलीनोमियल की इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, सॉरी क्यूबिक पॉलीनोमियल मतलब तीन जीरो है ना, इसलिए क्यूबिक पॉलीनोमियल बन रहा है. एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा एक्स. ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो. मैं आपको फिर से बता देता हूँ फॉर्मूला लर्न कैसे करना. फॉर्मूला होता है क्यूबिक एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इंटू एक्स. ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो. ऐसे बनती है क्यूबिक पॉलीनोमियल जब तीन जीरो हो, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ये तो बहुत ईजी हो गया. लास्ट वाला अल्फा बीटा गामा भी ईजी हो गया, मीन एक्स क्यूब. यहाँ पे देखे पहले प्लस का साइन था, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस. लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ. फिर आपको मैंने क्या बताया था कि अब आपको ये तरीका तो बता दिया लर्न कैसे करना है. आपके लिए ये क्रैम करना इजी है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्रैम करना बहुत ईजी है. अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्रैम करना भी बहुत जीरो है, इजी है. तो आपके पास अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा बस यही थोड़ा सा लर्न करना है, इसको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. अब हमारे पास अल्फा मतलब पहला जीरो माइनस थ्री है, देखो यहाँ से अल्फा माइनस थ्री है, बीटा देखिए माइनस वन है, गामा है मेरे पास टू इंटू एक्स स्क्वायर. फिर उसके बाद यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू है माइनस थ्री, बीटा की वैल्यू है माइनस वन, यहाँ पे वैल्यू फिल कर रहा हूँ, प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस वन, गामा की वैल्यू है मेरे पास टू, फिर अल्फा की वैल्यू देखो क्या है मेरे पास माइनस थ्री, और गामा की वैल्यू है मेरे पास टू इंटू एक्स. फिर लास्ट में माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. मैं थोड़ा इस तरफ करके लिख रहा हूँ कहीं आप कंफ्यूजन ना हो जाए, छोटा छोटा करके लिखूंगा. एक्स क्यूब यहाँ पे लिखा, अल्फा मतलब पहला जीरो माइनस थ्री, बीटा मीन्स दूसरा जीरो दैट इज माइनस टू, गामा मीन्स तीसरा जीरो, सॉरी दूसरा जीरो बीटा मेरे पास था, सॉरी माइनस वन था, मैं क्या करवा रहा हूँ आपको. सो बीटा दूसरा जीरो माइनस वन था, गामा था टू. आपको बताइए कहाँ पे टच कर रहा है, एक बार ये माइनस थ्री पे, फिर माइनस वन पे, फिर टू पे एक्स एक्सिस को, मतलब अल्फा माइनस थ्री हो गया, बीटा माइनस वन हो गया, गामा टू हो गया इंटू एक्स के. अल्फा इज वॉट, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू माइनस थ्री इंटू बीटा की वैल्यू माइनस वन, प्लस बीटा की वैल्यू माइनस वन, गामा की वैल्यू टू, प्लस अल्फा की वैल्यू माइनस थ्री, गामा की वैल्यू टू इंटू एक्स, माइनस अल्फा की वैल्यू माइनस थ्री, बीटा की वैल्यू माइनस वन, गामा की वैल्यू टू. तो अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री माइनस वन इज माइनस फोर प्लस टू इज माइनस टू एक्स. यहाँ पे माइनस थ्री इंटू वन, माइनस थ्री इंटू माइनस वन इज थ्री, माइनस वन इंटू माइनस इंटू टू इज टू, माइनस थ्री इंटू टू इज माइनस सिक्स इंटू एक्स. और यहाँ पे ये माइनस ये वाला माइनस 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 प्लस, तो थ्री टू सिक्स, यहाँ पे सिक्स इज इक्वल टू जीरो. अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस टू एक्स, थ्री माइनस टू इज वन, वन माइनस सिक्स इज माइनस फाइव, यहाँ पे एक्स क्यूब था सॉरी, माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. अब देखते हैं हमारी ऑप्शन कौन सी है, वो है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स, ये पहली ऑप्शन है. सो आप कंफ्यूज मत होइएगा,
इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना उसके अंदर वैल्यू फिल करके क्यूबिक पॉलीनोमियल। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब हमारे पास तीन जीरोस हो। जब हमारे पास दो जीरोस हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाते थे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। जब हमारे पास दो जीरोस थी, पर इस क्वेश्चन में हमारी तीन जीरोस है क्योंकि वो कितने बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? तीन बार।